तो ये है मेरे पीछे दुबई फ्रेम और इसकी हाइट है 150 मीटर। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है तारीख 4 दिसंबर 2020 और कल रात को निगेटिव रिपोर्ट आ गई थी मेरी कोविड की। तो आज यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं दुबई फ्रेम और पीछे आ गई मेरी लग्जरियस गाड़ी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान कहाँ से? इस्लामाबाद? नहीं सर, मैं ट्राइबल एरिया, ये कहते हैं कि लखनऊ है। हाँ हाँ, लखनऊ भी पास में, उसी कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। उर्दू और हिंदी बोलते हैं, बड़ी प्यारी उर्दू बोलते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ लाहौरी बोलते हैं। अच्छा जी। हाँ। आपका दिन अच्छा रहे। तो ये है मेरे पीछे दुबई फ्रेम और इसकी हाइट है 150 मीटर। तो खुलेगा तो ये 9 बजे से, लेकिन मैं पहुंच गया हूँ 10 मिनट पहले ही, क्योंकि भाई टिकट ले लेते हैं, देखने क्या होता है। तो यहाँ लगा है 52.5 AED। दिस वन इज माई टिकट। यस सर। हाँ यस, चेक टेम्परेचर। ओके, 36.2। वेरी नाइस, थैंक यू सर। थैंक यू। तो यहाँ पर मास्क पहनना, लेकिन मास्क उतार सकते हो जब आपको तुरंत फ़ोटो लेना हो, तभी। ये नहीं कि आप उतार के कहीं घूम रहे हो बिना मास्क के, तो उसमें 3000 dirhams फाइन है और इनके लॉज भी स्ट्रिक्ट हैं, तो रिस्क क्यों लेना। बाकी ये टिकट मिला मुझे 52.5 dirhams, यानी कि इंडियन करेंसी में देखें तो कितना पड़ेगा, 1000 या 1100 रुपये। ठीक है, भाई ये कितना बड़ा है, मतलब इसकी हाइट है 150 मीटर की। बाप रे। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेम है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो दुबई फ्रेम, जो कि बहुत बड़ा है और देख के दिमाग ख़राब हो गया है। अभी तो इससे बड़ी वाली चीज़ देखनी है, यानी कि बुर्ज खलीफा। तो अभी आज मेरा पहला ही दिन है इधर, और फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, फिर वापस जाना है होटल, क्योंकि सेकेंड हाफ में यानी कि शाम के लिए डेजर्ट सफारी बुक है। तो इस वीडियो में इसको कवर करूंगा और इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। पहले चलते हैं फटाफट, टॉयलेट लगी हुई है। ओके, थैंक यू। ओके, यू कैन चेक द पिक्चर इन द वेट। ओके, थैंक यू। तो ये है फादर ऑफ दुबई, और यहाँ से एक छोटा सा म्यूज़ियम है, यहाँ चलते हैं अंदर। तो मेरे पीछे दुबई की जो हिस्ट्री है ना, उसके बारे में एक बहुत अच्छा सा म्यूज़ियम कह लीजिए, और बहुत सही है ये पूरा। और यहाँ पर 1956 में कैसा था ये आप सॉल्व कर दें, यहाँ सेंसर लगे हुए हैं, तो यहाँ से ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट 1960 में खुला था। तो लिफ्ट के अंदर हैं हम लोग और ये ले जा रही है ऊपर। कितना ऊपर है यार, अभी जब बुर्ज खलीफा के ऊपर जब जाएंगे तब क्या होगा, कितना ऊपर है यार, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। किस फ्लोर पे पहुंचे हैं हम? तो लेफ्ट साइड में ये है ओल्ड दुबई, पूरा ये है सारा ओल्ड दुबई। और जब हम देखेंगे इस तरफ जो कि राइट मेरा,
तो दिखेगा मॉडर्न आर्किटेक्चर। और सामने रहा बुर्ज खलीफा और सारे मॉडर्न बिल्डिंग्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर, और दुबई के शेख की फ़ोटो भी वहाँ बनी हुई है गार्डन में। Down to the future. Okay. So shall I move now? तो यहाँ पर चलना है और देखते हैं। तो हम लोग हैं टॉप पर दुबई फ्रेम के, और जैसे हम चलते जाएंगे ये होता जाएगा इस तरह से। भाई क्या हाइट है यार, ये है ग्लास वॉक, और इस पर जब चलना होता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो एक ये मज़ेदार थ्रिल है इसमें। और यहाँ पर एक अरेबिक बढ़िया म्यूज़िक चल रही है, एंड यहाँ पर कुछ सुविनियर्स के लिए तरीका है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। जैसे कि ये रहा, तो इसमें 10 दिरहम्स की नोट डालेंगे तो इस तरह से गोल्डन कॉइन है गोल्डन कलर का, तो इस तरह से कई सारे इंप्रेशन उस पर बन के आ जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ले ही लेता हूँ यार, ये वाला ले लेते हैं। तो ये 10 दिरहम्स की नोट, और इसको मैंने डाल दिया अंदर, इसने ले लिया। अब करना क्या है इसका, ओह ये निकल आया। तो ऐसे आके आप भी बना सकते हैं, यानी कि 200 रुपए में एक ही छोटा सिक्का, लेकिन ठीक है मेमोरीज के लिए ठीक ही है। Okay. So nearly the constellation of Dubai at 2050 in 3D show. 2050? Yes. Means 30 years later? Yes. Okay. Enjoy your watching. Okay. तो ऐसा दिखेगा दुबई 30 साल बाद। ऐसा कुछ दिखेगा दुबई 30 साल बाद, और काफ़ी बढ़िया होने वाला है। तो जितनी फ़ोटोज़ पहले खिंचाई थी ना, वो फ़ोटोज़ यहाँ लगी हुई, यहाँ से आप ले सकते हो। और ये रहा सुविनियर शॉप इसका, तो इस सुविनियर शॉप से एक ले लिया फ्रिज मैग्नेट, जो मज़ा आता है लेने में, तो ले लिया है 200 रुपये का लगभग पड़ा है। खुल जा भाई, इधर से खुलेगा। ये रहा ऊपर दुबई फ्रेम। आप कहाँ से हैं, इंडिया पाकिस्तान कहाँ से? अच्छा बांग्लादेश से। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हो? हम तो इंडिया से हैं। अच्छा, आप कितने सालों से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 15 साल से। अच्छा, तो इधर आ गया हूँ, मेट्रो स्टेशन है यहाँ पास में मेरे होटल के, वहीं पर उतर गया मैं, प्राइवेट टैक्सी ले लिया था, और यहाँ आके अब नोल कार्ड बनवा लेता हूँ, क्योंकि भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बस पे भी नहीं चढ़ सकते, फाइन लग जाएगा। तो फटाफट यहाँ नोल कार्ड बनवाता हूँ, देखता हूँ क्या चार्जेस है उसके, और आपको भी बताता हूँ। I want to make a bus card for myself. 25. तो ये जो नोल कार्ड पड़ा है, ये पड़ा है 25 दिरहम्स का, और इसमें मिलेंगे 19 दिरहम्स, और 5 साल तक वैलिड रहेगा ये। अभी ये फुटब्रिज पे जाके पार करेंगे रोड, और फिर जाएंगे कुछ खा के हॉस्टल निकलते हैं, क्योंकि सेकेंड हाफ में एक टूर और है मेरा। हालत ख़राब हो गई यार, ये कंट्री बिल्कुल चलने के लिए नहीं यार, ये दुबई सिटी तो चलने के लिए नहीं यार।
पैसा ऐसी तेजी से उड़ रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि भाई कहीं सेविंग कर पी सकते हैं। एक तो एक दिरहम 20 रुपए के बराबर, तो कहीं पर भी कुछ भी लग जा रहा है तो बहुत खर्च हो रहा है। छोटा सवर में 1 पीस 6 दिरहम, 2 पीस 10 दिरहम है, बड़ा वाला 10 दिरहम है। और ये अरबिक शवरमा मतलब क्या? 15 दिरहम अभी होगा, 15 दिरहम। अच्छा, ये अरेबिक दिरहम, सॉरी अरेबिक शवरमा में क्या होता है? ये एक लाख शवरमा कट करके देगा। ये क्या करके देगा? उसके साथ कट करके। अच्छा, 20 पीस करके देते हैं। हाँ। और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज, पिकल्स, सॉस। ठीक है, तो एक ये कर दिए 15 दिरहम का। 15 दिरहम, हाँ एक कर दीजिए। एक वन तो यहाँ पर एक लोकल शॉप थी, यहाँ पर आ गया हूँ, अरेबिक शॉर्मा मंगाया, जो कि शॉर्मा यहाँ बहुत फेमस है दुबई में। और ये कोई स्ट्रीट, ये स्ट्रीट काफ़ी सही है, सामने है बर्गर किंग, इधर है KFC और एकदम आगे था मैकडॉनल्ड। इसके बाद हम जाएंगे दुबई डेजर्ट सफारी के लिए, जो कि एक बहुत एक्साइटिंग वक्त होने वाला है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ, आपको दिखा दूँगा कि कैसा आया था शॉर्मा और कैसा था खाने में, और पैक कराने के लिए बोल दिया उनको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ आने वाला है यार। अभी तो सिर्फ पहला दिन हुआ, पहले दिन का पहला हाफ हुआ है। चलते हैं फिर, बाय। ये रहा अरेबिक शॉर्मा, जो कि 15 दिरहम्स का पड़ा है। इसमें क्या दिया है? मेयोनीज दिया है कुछ, और ये कटा हुआ चिकन के पीसेस, फ्रेंच फ्राइज, कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा है।